ईडी के पास इतना बड़ा पावर है ना आपका नाम था नहीं था आपको उठा ले जाएगा जब तक चार सीट फाइल नहीं करेगा ना जमानत नहीं मिलेगा ईडी चार सीटें नहीं देती दो आदमी अगर पकड़ेगा ना तो बहुत ईडी ईडी के पास इतना बड़ा पावर है ना लेट सपोज कीजिए कि ईडी ने किसी आदमी को पकड़ा उस आदमी ने कह दिया कि यह चश्मा वाले से हमारी डील हो रही थी आपको उठा ले जाएगा जब तक चार्जशीट फाइल नहीं करेगा ना आपका नाम था नहीं था क्या ना वो आपको जमानत नहीं मिलेगा अब जैसे पुलिस में क्या है ना कि साठ दिन के अंदर चार्जशीट दे देना आपको कुछ स्पेशल कंडीशन में नब्बे दिन में चार्जशीट दे जैसे बड़ा अपराध किए किसी को जरा के मार दिए हैं तो पुलिस को सबूत लाना पड़ता है कि इस गवाह के सामने आपने ये मारा था इसे उसे चार्जशीट उसमें पूरा बाकायदा लिखेगा चार्जशीट में केस डायरी और चार्जशीट में अगर कोर्ट में नहीं सबमिट किए हैं तो साठ दिन के बाद आपको जमानत दे देगा जाइए आप यहाँ पे बिना मतलब पुलिस पकड़ी हुई है और अगर स्पेशल केस है तो नब्बे दिन लेता है चार्जशीट के चार्जशीट देना पड़ता है चार्जशीट में पुलिस का पूरा मोहर रहता है यहाँ चीज़ में बिना मतलब चार्जशीट में तो तो नहीं आ सकते हैं कोई भी नाम डिटेल देना होता लेकिन ईडी चार्जशीटें नहीं देती है दो आदमी अगर पकड़ेगा ना तो बहुत कम टाइम जमानत मिलता है एक ईडी पकड़ लेती है तब सी बी तो खैर एक अलग मैटर हो गया सीबीआई बी आई में कर, कोई बहुत बड़ा कांड कर दिए तब तो पकड़ेगा ये तो पहले ही पकड़ लेता है ईडी तो एक ईडी पकड़ेगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक एनसी एनसीआरबी एनसीबी सी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एनसीबी समझ में कि नहीं आ गया शाहरुख खान के बेटे को जिसमें किया गया था हालांकि तो आर्यन खान का मैटर अलग निकला वहां पे इसमें इन्वॉल्व नहीं था हाई प्रोफाइल मैटर निकल गया वहां पे नॉर्मल आदमी तो नॉर्मल आदमी तो फंस गया था जिस केस में वो रहता शाहरुख खान का तो पहुंच था तब तो ना पता चल गया कि भाई जांच बैठ गया कमिश्नरे के ऊपर बैठने वाले कमिश्नर के ऊपर जांच बैठ गया नॉर्मल आदमी तो सड़वा होता है अभी तक यहाँ पे तो अगर ये दो किसी को उठाए सब ना आराम से दो साल तक सड़ा देंगे सब यहाँ पे ये ड्रग्स वगैरह के मैटर में है यहाँ पे कि आपके पास कोई ड्रग्स गांजा अफीम ये सब तो नहीं मिला है और ये पैसे से रिलेटेड मामले में मैं यहाँ पे चार्जशीट देगा दो साल बाद अगर दोयो साल नहीं दिया तो नहीं छोड़ेगा आपको बहुत कड़ा कानून है पर और इसी कानून ऐसे ही उसका दिमाग में, में, <laughs> में ध्यान नहीं आ रहा है पाकिस्तान में क्या बनाया गया भारत से प्रेरित होकर उसने बनाया था दो में कानून बनाया था दो में और उसी में उठा ले गया मेरे चाचा को मेरा चाचा अभी है जेल में है चाची अरे तीन तीन को चाची ये की। <laughs> पाकिस्तान में शादी करना मतलब सिम कार्ड खरीद लेना एयरटेल ठीक नेटवर्क नहीं आ रहा है जी पोर्ट लो पोर्ट कराओ जियो में जाते हैं जियो ले, ले लेंगे वहां पे भी आ, खाना होना ठीक नहीं बना रही है यार जाओ दूसरा देख लो तुम इसीलिए ना वहाँ पे जो बाल बच्चे होते हैं उन लोग कभी अच्छे से परवरिश नहीं हो पाती है पता नहीं चलता है उस समय बाल बच्चों में और यही वजह है कि जब परवरिश अच्छे से नहीं होती तो एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता और नहीं एजुकेशन मिलने का नतीजा एकदम भयानक हो जाता है